हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इस वीडियो। स्पेशली इस वीडियो पे मैं कुछ पेंटिंग नहीं दिखाऊंगी, इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगी फैब्रिक पेंटिंग के लिए क्या क्या आपको चाहिए। ये सारे मेरी पेंटिंग के ये सारे सामान है, मैं आज आप सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और आफ्टर वॉश ये कलर ऐसे रहता है कि नहीं, और कौन से कपड़े के ऊपर कौन सी कलर करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है कलर्स, ये है फेविक्रिल की फैब्रिक कलर, और ये है फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर। आप देख सकते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ये बोतल भी तो आप देखिए, ये है फेविक्रिल की फैब्रिक कलर और ये है एक्रेलिक कलर। देखिए दोनों बोतल देखने में ऑलमोस्ट सेम ही है, और यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है सॉफ्ट फैब्रिक कलर्स, और यहाँ देख सकते हैं एक्रेलिक कलर। तो क्या है ये दोनों कलर में अलग क्यों है? तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रेलिक कलर से। ये कलर मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ये कलर आप कॉटन के कपड़े के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कपड़े को पहले वॉश कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इस कलर से आप पेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के जो काम होते हैं उसके ऊपर भी आप इस कलर से कर सकते हैं, या फिर वॉल पेंटिंग, स्विचबोर्ड पेंटिंग, ये सारे काम आप उसके ऊपर आप इस कलर से कर सकते हैं। और दूसरा है ये फैब्रिक कलर। ये मार्केट में ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं मिलता है उतना इजीली जितना कि ये एक्रेलिक कलर मिलता है। तो ये कलर मैंने ऑनलाइन लिया है, ये दोनों ही मैंने ऑनलाइन लिया है। और इस कलर से आप कॉटन के कपड़े के ऊपर या फिर रेयन के कपड़े के ऊपर, रेयन सिल्क के ऊपर इसको इस कलर से आप कर सकते हैं। और ये क्या है, इस कलर से पेंट करने के बाद आपको 24 आवर्स के बाद बैक साइड के आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आफ्टर वॉश कुछ नहीं होता है, ये भी मैं बाद में दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट है पर्ल मेटालिक कलर। ये कलर मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसकी ग्लिटरी शाइन है इसमें, बहुत खूबसूरत है। इसको भी आप कॉटन के कपड़े के ऊपर, कोई भी सिल्क टाइप के कपड़े के ऊपर इससे आप पेंट कर सकते हैं। और दूसरा है ये है 3D आउटलाइनर। अब देखिए इसमें ऐसे इस टाइप का ट्यूब में आती है, इस टाइप का ऐसे प्रेस करके आपको पेंट करना पड़ता है। इससे भी आप कॉटन के कपड़े के ऊपर या सिल्क के ऊपर कर सकते हैं, बट वो पार्ल मेटालिक होना चाहिए। और नॉर्मल ये एक्रेलिक कलर, ये है एक्रेलिक कलर की आउटलाइनर, इससे आप कॉटन के ऊपर कर सकते हैं डिज़ाइन। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रश, ये देखिए। पर ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इतने सारे ब्रश से ऑनेस्टली उतना काम तो नहीं होता है। क्योंकि ब्रश आप जब भी ऑनलाइन ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसके एक सेट होता है, वो 1-2 फ्लैट ब्रश के होता है, 1-12, तो सब लेना पड़ता है, इसलिए इतने सारे ब्रश है। और भी है और इधर उधर और भी है, तो इतने सारे ब्रश की सच में कोई ज़रूरी नहीं होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार ये पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग करना चाहते तो पहले आप 0 नंबर की राउंड ब्रश लीजिए, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, हाँ इससे तो ऑलमोस्ट काम हो जाती है राउंड ब्रश से। और मुझे पर्सनली 0 नंबर की राउंड ब्रश से तो बहुत ज़्यादा काम होती है। और उसके बाद आप फ्लैट ब्रश ले लीजिए कोई 1-4, अगर आप ऐसे सेट में लेना चाहते तो इसके भी सेट मिलता है। ये मैं अरोरा की ब्रश यूज़ करती हूँ, ये सारे बहुत कलर्स लगे हुए हैं इसमें, तो ये है अरोरा की ब्रश, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो इस टाइप की ब्रश मुझे बहुत पसंद है, इसके राउंड ब्रश भी है। हाँ ये सब उतना यूज़ नहीं होता है इसलिए मैंने अलग से रख दिया है, तो ये आप ले सकते हैं। बहुत इसकी हेयर बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। और कैसे मैं इसको वॉश करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ब्रश को पानी में 2-3 घंटा ऐसे डीप करके रख देती हूँ। उसके बाद ये नॉर्मल कोई हैंड वॉश आप ले सकते हैं, मैं ये मेरी लाइफ बॉय है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये हाथ में ये हैंड वॉश ले लीजिए, मैं जो कर रही हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे मैं करती हूँ,
जब तक इसके सारे कलर्स इससे ना छूट जाए तब तक मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, इसके अच्छे से कलर को इसमें से निकाल देना है। देखिए ऐसे अच्छे से कोई कलर ना रहे, फिर इसको ऐसे वॉश कर लीजिए। अब ऐसे जब तक ना ये इसके हेयर अच्छे से ड्राई हो जाए तब तक मैं इसको ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रख दूंगी, उसके बाद में बॉक्स में उठा के रखूंगी। वीडियो की एंड में मैं एक बहुत अच्छी एक टिप्स शेयर करूंगी आपसे, जो मैंने मेरी टीचर से सीखी थी वो एंड पे शेयर करूंगी। कलर करने से पहले कपड़े के नीचे कोई ऐसे थिक कोई कार्डबोर्ड रख सकते हैं या फिर कोई थिक पेपर होती है वो भी रख सकते हैं, न्यूज़पेपर मत रखिए। इसमें क्या होगा, आपकी जो फ्लोर पे कलर नहीं आएगी और इसमें ये कलर सो कर लेगी, एक्स्ट्रा जो कलर पीछे आ जाती है वो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना ही है। ये है प्लेन कॉटन का कपड़ा, बहुत सस्ता है एक्चुअली, मुझे वीडियो में दिखाने के लिए बहुत काम आती है। तो इस टाइप की कॉटन के कपड़े के ऊपर आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं, फैब्रिक कलर से कर सकते हैं, पार्ल मेटेलिक कलर से कर सकते हैं, या फिर ऐसे आउटलाइनर से भी कर सकते हैं। कॉटन के ऊपर आप सब कलर से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कलर आप चूज़ कर लीजिए जिसको आपको पसंद है, और उसके ऊपर कोई लाइट कलर के कपड़े के ऊपर डीप कलर से पेंट करें, डीप कलर के ऊपर कोई लाइट कलर से पेंट करें। तो ये है। अब नेक्स्ट ऐसे कोई रेयॉन सिल्क, इसको आप दुपट्टा अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इस टाइप की रेयॉन सिल्क के ऊपर आप कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर मैंने फैब्रिक कलर से पेंट किया है, इसके ऊपर पार्ल मेटेलिक कलर से भी आप पेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट नहीं होता है, हाँ एक्रेलिक कलर से क्या होता है ये बहुत ज़्यादा पीछे आ जाती है, स्प्रेड हो जाती है कलर, तो कलर ठीक से नहीं होता है। ब्रश के लिए तब मैं बोलना भूल गई थी, एक्चुअली आपको ये फिल्बर्ट ब्रश आप फैब्रिक पेंटिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है कोई भी राउंड ब्रश, कोई फ्लैट ब्रश और फिल्बर्ट ब्रश। फिल्बर्ट ब्रश से क्या होता है, एक डेजी फ्लावर बहुत अच्छे से इस ब्रश से बना सकते हैं। हाँ राउंड ब्रश से भी ज़रूर बनते हैं बट इससे ज़्यादा आसान है और बहुत अच्छे बनती है। और ये है फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश से तो आपको पता है ये कलर शेडेड फ्लावर पेंटिंग सबको ये इसमें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये है राउंड ब्रश, इसको तो आप सारे काम इससे ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं। तो ये है मेरे ख्याल से जो तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कलर करने के बाद ये कपड़ा बहुत ड्राई हो, मतलब हार्ड टाइप की हो जाती है, और कभी कभी तो कलर इसमें से छूट भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कलर देखिए ये उतना देखिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, कितना सॉफ्ट भी है। कलर ब्रश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलर लेके पेंट मत कीजिए, उससे कलर उससे क्या होगा कपड़ा बहुत ड्राई हो जाएगी, और उसको वो ड्राई होने के बाद वो ऐसे नाखून से आप उठाएंगे तो वो उठ जाएगी। तो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, और मैं कभी भी कलर में मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। अब देखेंगे तो ये बोतल में भी लिखा होता है पीछे बोतल के बैक साइड पर, यहाँ नो मीडियम नेसेसरी। तो मैं कभी मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ अगर कल पेंट करने के टाइम ब्रश तो कभी कभी ड्राई हो जाती है, तो तब क्या करती हूँ ब्रश में थोड़ी सी पानी ले लेती हूँ, या फिर ब्रश को फिर पानी में डुबा के अच्छे से कलर मतलब उसको कलर छूट जाए उसके बाद में दोबारा कलर लेके कलर करती हूँ। बट मैं एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करती हूँ और मीडियम कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा बेटा ऋषभ अभी नींद से उठ के मेरे पास आके बैठा है। किचु बोलो हेलो करो मम्मा की हो चे बाबा। तो अब मैं ये फैब्रिक पेंटिंग ड्रेस को आपके सामने वॉश करके दिखा देती हूँ कि कलर उठता है कि आफ्टर वॉश सबको डर लगता है उधर जाते ही कि नहीं, कुछ नहीं होता है। ये मैंने बहुत बार पहन लिया है, देखिए इसके लिए मैं क्या कैसे वॉश करती हूँ। आप इजी भी दे सकते हैं या फिर कोई अच्छे से कोई डिटर्जेंट भी आप दे सकते हैं।
ये देखिए कलर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखिए पानी नॉर्मल, देखिए कोई पानी का कलर कुछ चेंज नहीं हुआ है। यह देख सकते हैं पीछे मैंने ये लिक्विड एम्ब्रॉयडरी जो 3D आउटलाइनर है उससे की थी, देखिए ये भी कुछ नहीं होता है देखिए। बट इसके ऊपर आप कोई ब्रश से इसको स्क्रब मत कीजिए, ऐसे हाथ से मैं कर रही हूँ देखिए। या फिर आप ड्रेसिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी ड्रेसिंग पेपर यूज़ नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, कभी मैंने ड्रेसिंग पेपर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, फिर जो डिज़ाइन मुझे पसंद है उसमें कुछ खुद के खुद भी कुछ उसके ऊपर मॉडिफाई करके मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। तो इसके लिए इसलिए मैं कोई ड्रेसिंग पेपर कुछ यूज़ नहीं करती, तो आपको लिंक भी मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ इसलिए। और ये थी आज की वीडियो, जो मेरे जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैं आप सबसे शेयर की। फिर भी कोई मिस अगर हो गई है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। हाँ, एकदम लास्ट में मैंने जो बोली थी आपको एक टिप्स के लिए, वो है मैं जब ये पेंटिंग सीखी थी मेरे टीचर से, तो उन्होंने क्या कहा, कलर के साथ आप ये फेविकल ऐसे यस अब इसको थोड़ी सी बस मिक्स करके, कलर के साथ मिक्स करके भी आप पेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, वो कलर की लॉन्ग लास्टिंग बहुत बढ़ जाती है। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं एक ड्रेस के ऊपर पेंट की थी, वो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल उसकी इतनी अच्छी थी, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग मम, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रही। तो आप भी ये मिक्स करके कर सकते हैं, या फिर ये मिक्स करने के बाद आपको ज़्यादा थिक लगती है तो बिना यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। और ड्रेस को कभी मशीन में वॉश मत कीजिए, कभी भी नहीं, और डायरेक्ट एकदम सनलाइट में भी मत दीजिए, उसको शेडो में सुखाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पेंट के ऊपर, इसके ऊपर कभी भी प्रेस मत कीजिए, इसके बैक साइड पर आप प्रेस कर सकते हैं। और पार्ल मेटालिक कलर से आप सब ड्रेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं, सब टाइप की मटेरियल के ऊपर पेंट कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर से आप ज़्यादा कॉटन के ऊपर ही कर सकते हैं, और फैब्रिक कलर से आप रेयॉन के ऊपर कर सकते हैं, कॉटन के ऊपर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आप सबको इस वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। और अगर आपको मेरे इस ब्यूटीफुल नेकलाइन डिज़ाइन को पसंद है तो इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।